तो हिमाचल ऑल इन वन में स्वागत है आपका। और मैं अभी चल रही हूँ गांव के रास्तों में, मतलब कि मैं आज गांव की ओर आई थी। मेरा जो घर है वो है गांव से दूर, तो गांव में कभी कभी आना होता है, तो मैंने सोचा साथ साथ में आपको भी अपनी गलियां बताते हैं कि किस तरह का है। मेरा जहाँ मायका था वो भी अकेले ही घर था और ससुराल भी अकेला ही घर है, तो गाँव का कैसा माहौल रहता है मुझे पता ही नहीं है किस तरह का रहता है। और चलो आपको रास्ते बताते हैं किस तरह के रहते हैं गांव के रास्ते, तो चलिए मेरे साथ। चलते चलते कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो गांव में पहले होती थी। आपको ये पत्थर दिख रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? इस पत्थर में देखिए, ये वालों देखो, बिल्कुल घिसा हुआ पत्थर है और यहाँ से भी है। इसका क्या रोल होता है कि जब हम पहले घास काटते थे, अब भी काटते हैं, तो उस टाइम जो अपनी वो जो दाचिया होती है ना, उसको यहाँ पैनिंग किया जाता था इस पत्थर पे, जो इस तरह का पत्थर होता है। तो ये कुछ निशानियाँ रहती है जो गांव में, मतलब कि हाँ यहाँ पे पत्थर से तिखी हो जाएगी हमारी दाचिया। तो ऐसा कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हमेशा के लिए बनी रहती है। और पूरा घास इधर कट चुका है और वो जो इलाका आपको दिख रहा है ये है नित्थर का सारा इलाका, और इस साइड को है कोटगढ़ का इलाका, उधर को रामपुर। तो ऐसे ही कुछ गांव की गली। और यहाँ पे देखिए घास पूरा का पूरा लगाया है टोली में, जिसे हमारे यहाँ पे द्रोठा भी कहते हैं। गांव के मेहनती लोग जो सर्दियों के लिए लकड़ी का कोटा कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि किस तरह से हो रहा है। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे है लौकी जो सूखने के लिए धूप के पास रखी है, ये सूख जाती है और इसका एक कंटेनर भी बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो छली है उसको भी सूखने के लिए गाय के लिए रखा है, मीठी मीठी सी छली। ओ भाई साहब, इनको देख के तो मुंह में पानी आया ही होगा आप लोगों के, मेरे तो बहुत आया था। ये है खट्टे जो कि रेडी हो रहे हैं सर्दियों के लिए मुरब्बे के लिए। ये देखिए हमें आज कौन मिला, पूरे गांव में कोई नहीं है अभी तक, सभी सोए पड़े हैं, सोए भी नहीं होंगे शायद से घास काट रहे होंगे। एक ये है जो हमें मिल गई है गांव। हेलो हेलो हेलो। साथ में देखो, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखिए ये कांटा, ये हमारे जंगलों में लगे होते हैं, तो इसमें जो ये वाले होते हैं ना, ये खाने को भी होते हैं जब ये रेड रेड हो जाते हैं। इसमें है कि नहीं है ये देखिए, ये जो इस तरह के रेड रेड दिख रही है ना, बहुत टेस्टी होते हैं खाने में, है ना? आपने भी खाना? चलो घर जाओ, कहाँ से आए आप? मेरे साथ चलना, मेरे घर। अच्छा, मैंने सोचा कि आपको ये तो बता ही रही हूँ कि ये हम खाते थे, फिर मुझे भी भूख लग रही है। अब जब तक मैं घर पहुँचूँगी तब तक मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसको ट्राई कर दूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती थी ना ये हम बचपन में खाते थे, अब तो नहीं खाते, वैसे तो ये बंदर खाते हैं, लेकिन शाबाश बेटा, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना। तो हम बचपन में जाते थे मम्मी के साथ घास काटने, और जंगलों में मतलब कि ऐसे ड्राई एरिया होता है ना, वहाँ पे ये मिलते हैं, तो उस कांटे से निकाल के इसको खाते हैं। अब देखो इसमें कांटे होते हैं, यहाँ देखिए इस तरह के, तो इनको बड़े सेफ्टली साफ करना पड़ता है, और उसके बाद अंदर जो इसमें होता है वो आपको बताऊँगी, साथ में मज़ा लेते हैं। तो मैं यहाँ बैठी थी, थक गई थी थोड़ा सा, तो ये देखिए थोड़ी धूप है, थोड़ी छाया है, चलो इसको खाने का मज़ा लेते हैं। एक तो मैंने ट्राईपॉड नहीं लाया और अकेले वीडियो बनाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके कांटे बड़े तेज होते हैं, कांटे पहुँच चुके, ये देखिए कितना भाई, ऐसे लगा जैसे स्ट्रॉबेरी हो, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इसका। और इसका कलर देखो इस तरह हाथों में भी आ रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा है जामुनी कलर का। अब इसको खाते हैं ज़रा, इसका स्वाद लेते हैं। अगर आपने ये चीज़ नहीं खाई तो खाइएगा एक बार ज़रूर, ये कोई विषैली चीज़ नहीं होती है, इसको खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। चलो टेस्ट करते हैं। जैसे मेरा लिपस्टिक है वैसे इसका कलर है, और खाने में बहुत लाजवाब है, खट्टा खट्टा है बिल्कुल, और रसदार जंगल स्टॉक। मज़ा आ गया,
बचपन के बाद ये चीज खाई, बहुत मजा आया और साथ में देखिए कलर भी लग गया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये जामुनी है रंग है पिया, बड़ा मजा। देखो प्यास लग रही थी, वो प्यास मिट गई और थोड़ी थोड़ी भूख भी मिट गई। और क्या करें, सफर में यही तो करना पड़ता है, चलते चलते जो कुछ देख के चलो बनाते जाओ, और क्या कर सकते हैं। पर आई होप कि आपको कुछ नया लगा हो जो पहाड़ों में ही देखने को मिलता है। ऐसे है गाँव के रास्ते, ये देखिए, और चारों तरफ सुनाई देगी सिर्फ ची 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 ची। और यहाँ पे देखिए तीन रखे हैं, ये रखे होते हैं ब्रोजे के लिए जो कि पेड़ों से निकलता है। मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि क्या होता है ब्रोजा, किस तरह से निकाला जाता है। अब मैं घर पहुँचने वाली हूँ, मिल ही गया जिसमें ब्रोजा है। आप देख सकते हो यहाँ देखो इस तरह से कुप्पी लगी है, और यहाँ पर भी ये देखिए जो इसके अंदर का ये लिक्विड है, ये है ब्रोजा, मतलब कि जो कि चील के पेड़ से निकलता है, बिल्कुल गोंद जैसा होता है। तो इसको उस टीन में डाला जाता है जो मैं आपको टीन बता रही थी। ये देखिए चील का पेड़, बड़ा पेड़। और हम ऐसे घास के बीच जा रहे हैं, ऐसे घास के बीच सांप का भी डर रहता है, चलो। पर ये तो लाइफ स्टाइल है पहाड़ों का, ऐसा ही होता है। तो घर पहुंच गया, और घर पहुंचते ही सबसे पहले चाय बना लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा भी खेत चले गए, तो चाय उनको भी देते हैं और साथ में मैं भी पीऊंगी। मैंने सोचा कि पहले मम्मी पापा को दे देती हूँ फिर उसका खुद पीऊंगी। और आप सोच लूँगी कि मैंने चाय के लिए ये बोतल जैसे क्यों डाला है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली जो चाय है दो लोगों के लिए ले जानी है, तो थर्मोस शेल्फ पे थी, ऊपर चढ़ना पड़ता था। मैंने सोचा कि कहाँ अब दो लोगों के लिए थर्मोस निकालूं, तो सोचा शीशे की बोतल मैं ही ले जाती हूं, क्योंकि इसमें भी गर्म रह जाती काफ़ी टाइम तक। घास काटते हुए हमारे आजकल, ये देखिए क्या मिल रहे हैं, ये चुनचुरू जिसको गुच्छी भी बोलते हैं, ये सबसे महंगी सब्जी होती है। तो आजकल हमारे मिलते हैं, हमारे वैसे तो ये मार्च अप्रैल में भी मिलते हैं, पर हमारे आजकल के टाइम में मिलते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वैसे तो बकवासी की है पर फिर भी आपको हमारी बकवासी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है हमें भी कि कुछ नया नया आप लोग बोलते हो। तो ठीक है, यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।